भाइयों और बहनों, सरदार साहब के आशीर्वाद से इन ताकतों को परास्त करने का एक बहुत बड़ा फैसला देश ने कुछ हफ्ते पहले ही लिया है। साथियों, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां तीन दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा? साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। भाइयों और बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आज इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े रह करके, जहां पर भी सरदार साहब की आत्मा होगी, भारत की संसद ने भारी बहुमत से एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें सरदार साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर मिला है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और ये भी सोने में सुहागा है
कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। हाल ही में मेरे भाइयों बहनों, अभी पिछले हफ्ते वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में, और आप जानकर के हैरान होंगे, आजादी के बाद इतने सालों तक लोकतंत्र की बातें बहुत हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लोकतंत्र का वो अधिकार नहीं मिल पाया। धारा 370 को बहाना बनाया गया, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए कभी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए और मतदाता पंच सरपंच होते हैं। अभी पिछले हफ्ते चुनाव हुआ, 98% पंच सरपंचों ने वोट डाला। ये भागीदारी अपने आप में एकता का संदेश है, सरदार साहब का पुण्य स्मरण है। अब जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा। अब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएगी। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिलाकर के चलने का युग का आरंभ होगा। नए हाईवे, नई रेलवे लाइनें, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथियों, अगस्त के महीने में राष्ट्र के नाम संबोधन में मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों से एक और वादा किया था। मैंने कहा था कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के बराबर, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज के बराबर सुविधाएं मिलेगी। मुझे खुशी है कि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत भत्तों का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।